सुपरहिट सुपर से सुपरहिट है। लोग बका विरोध हो रहा है, पोस्टर फाड़े गए हैं, यहाँ पे गोंडा में क्या है? गोंडा में सही है और क्या? अच्छा अच्छा मस्त है, एक नंबर है, सुपर सुपर से सुपरहिट है। इसमें तो पहली चीज शाहरुख खान की मूवी है, दूसरी चीज ट्रेलर में हमने देखा है कि उसमें सलमान खान की भी एंट्री है। तो लग रहा है विरोध किया गया, वो उनकी मर्जी है वो विरोध करें, लेकिन हमारी मर्जी ये है कि हम पठान देख के रहेंगे। सागर श्रीवास्तव मेरा नाम है। पहले तो हम लोग मूवी का खुद विरोध कर रहे थे, लेकिन मूवी का इतना अच्छा प्रदर्शन देख के हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। एक मूवी कोयला देखे थे, उसके बाद हम पठान देखने आए हैं। कोयला मूवी भी बहुत पसंद आई थी शाहरुख खान की हमें, और उसके बाद हम लोग पठान देखने आए। ऐसा कुछ नहीं, देशभक्ति के ऊपर मूवी बनी है। जिस तरह हाल है, हम लोग सुबह से भीड़ लगा के लाइन लगा के खड़े हैं, उसके बाद भी टिकट नहीं मिला है। करीब में 70 किलोमीटर दूर से हम लोग आए थे देखने, उसके बाद भी हम लोग वापस जा रहे हैं, टिकट नहीं मिला, निराशा ही हाथ लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, देशभक्ति के ऊपर मूवी बनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मूवी अच्छी है। हमेशा शाहरुख खान देश के लिए काम आए हैं। अभी जल्दी आपने देखा है अंजलि के दिल्ली वाले केस में भी उन्होंने हेल्प किया है। ऐसा नहीं, हिंदुओं के भी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जिनका काम विरोध करना है वो विरोध करें, शाहरुख खान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आए हैं मूवी को देखने। हालांकि पहले जब एक टाइम में उड़ा था तो हम लोग विरोध किए थे, लेकिन मूवी का प्रदर्शन और मूवी का सारा कुछ देख के हम लोग खुद आए हैं। सुबह से लाइन लगा के खड़े थे, टिकट नहीं मिला, रिटर्न जा। रिलीज हुई है, बढ़िया मूवी है, चल रही है, इतनी देर तक आप देख रहे हैं, ऑलरेडी टिकट नहीं मिला है। और फाड़म फोड़ पहले दिन 50 करोड़ की कमाई की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी करीब में 100 करोड़ प्लस ही जाएगी ये मूवी। जिस तरह हाल देख रहे हैं, गोंडा के एक छोटे से जिले में ये हाल है, तो प्रदेश में क्या चल रही होगी मूवी, वो आपको पता है। जरूर देखें यार, सब लोग जाके मूवी देखें, ऐसा कुछ नहीं है यार। मूवी में कौन सा विरोध, मूवी में कोई विरोध नहीं। शाहरुख खान देश के लिए बढ़िया हीरो है, सबके लिए सपोर्ट करता है, सबका काम करता है, चाहे अंजलि अरोड़ा हो चाहे देश की बात हो, हमेशा शाहरुख खान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। हम लोग बिल्कुल साथ हैं। कपड़े पे, रंग वंग पे ऐसा कुछ नहीं है। आज तक हजारों मूवियाँ बनी है, अगर आप कटिंग निकालना शुरू करेंगे तो कई मूवियों में ऐसा कपड़ा पहना गया है, दिखाया गया है, उसका विरोध नहीं हुआ। सिर्फ शाहरुख खान होने की वजह से पीछे खान लगता है, तो उसके इसलिए हम लोग विरोध करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग खुला समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है एक बार? सागर श्रीवास्तव। नमस्कार आदाब, मैं हामिद अली, आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज 18 गोंडा से। गोंडा में इस वक्त मैं कुंवर सिनेमा हॉल में यानी टाकिस में है, जहां पठान मूवी कल रिलीज हो गई थी पूरे हिंदुस्तान में। यहां भी रिलीज थी, यहां भी पिक्चर चल रही थी, और आज भी यहां दर्शक भी खड़े हैं देखने के लिए। हम जाने की कोशिश करेंगे कि यहां पे कौन कौन दर्शक आए हैं। क्या नाम भैया? मोहम्मद रजा। पिक्चर देखे हो? जी अभी नहीं, टिकट ऑनलाइन किया था अभी अभी। आप भैया थोड़ा सा ऑनलाइन किया था अभी अभी। आप भैया थोड़ा सा आप बताइए, भैया यहाँ आए हैं आप कुंवर टाकिज में जी, कैसा लग रहा है ये? भैया थोड़ा सा शांत रहिए जी। ये पिक्चर कैसी है? सुपरहिट सुपर से सुपरहिट है। लोग बका विरोध हो रहा है, पोस्टर फाड़े गए हैं, यहाँ पे गोंडा में क्या है? गोंडा में सही है और क्या? अच्छा अच्छा मस्त है, एक नंबर है, सुपर सुपर से सुपर हिट है। अभी देखा है? अभी नहीं देखा है, देखने वाले हैं। अच्छा, जो बेशरम रंग था उसका क्या रंग है? सही है वो। अच्छा, एक और भाई साहब, नाम है मोहम्मद समीम। क्या देखने आए? पठान मूवी देखने आए हैं। कैसी है, कुछ पहले से कुछ पता है? अभी कुछ तो देखे नहीं, ट्रेलर देखे हैं, तो ट्रेलर तो काफी डेंजर है। अच्छा डेंजर है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज है, कुछ खासियत? इसमें तो पहली चीज शाहरुख खान की मूवी है, दूसरी चीज ट्रेलर में हमने देखा है कि उसमें सलमान खान की भी एंट्री है। कंट्रोवर्सी, अच्छा कंट्रोवर्सी भी हो गई है। अच्छा टिकट मिला तो है? हाँ मिल गया। तो इसका शुक्र मनाओ कि टिकट मिला। हाँ मिल गया। जॉन इब्राहिम विलेन है। अच्छा अच्छा, अभी शांत हो जाइए थोड़ा सा, ये भी और भाईजान के ऊपर पिक्चर बनी। अच्छा रुक जाइए, इधर आइए थोड़ा सा, ये भी ले रहे हैं। क्या नाम भैया? सोहेल गुरु। अच्छा कर्नलगंज से आप आए? टिकट मिल चुका है? टिकट हम परसों बुक कराए थे लेकिन नहीं मिला था, कल फिर कोशिश करें, फिर आज का टिकट मिला 3:30 का। परसों हम कोशिश किया था हमने, तो टिकट हमको नहीं मिला था, फिर हमने कल शाम को कोशिश किया, तब आज 3:30 का शो मिला है, बहुत मेहनत करने के बाद। ये लग रहा है कि कई जगह विरोध किया गया है, आपको यहाँ क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है विरोध किया गया, वो उनकी मर्जी है वो विरोध करें, लेकिन हमारी मर्जी ये है कि हम पठान देख के रहेंगे। शाहरुख खान देखना हीरो है। अच्छा बादशाह, वो दुबई के अम्बेसडर हैं। आओ मैं लेकर चलता हूँ। ये भाई साहब जहाँ बुकिंग खिड़की पे खड़े हैं, जहाँ पे ये पठान मूवीज का टिकट काउंटर खिड़की है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। भैया एक टिकट मिल गया है? नहीं सर, 30 टिकट चाहिए, मिला नहीं है। 30 टिकट चाहिए? 20 टिकट चाहिए। इतने लोग उत्साह है इसको देखने के लिए, पठान मूवी जो 20 टिकट भी अपना बुक पा रहा है, मगर हो भी जाएगा ऐसा है, ज़्यादा भीड़ भाड़
नहीं दिख रही अभी, मगर इधर दिखा सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ भी हैं, और एक हमारी दादी भी है। आप कहाँ से आई हैं? तो गोंडा में। पिक्चर देखने आई हैं? पिक्चर देखने आई, महिला है देखिए, बुजुर्ग है, मगर पठान आई है। आप क्या है? माय मदर। मदर है। आप किस लिए आए? हम ही मूवी ही देखने आए हैं। अच्छा, टिकट हो गया है? मिल ही नहीं रहा। क्या नाम है आप? गोल्डी सिंह। गोल्डी सिंह साहब, ये बताइए क्या है ऐसा कपड़ा पहना गया था, उस पर क्या कहना है कि यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं कहना मुझे। कुछ नहीं कहना, मगर ये मूवी किस लिए देखने आई? बट मैं साथ में आई हूँ, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। साथ में आए हैं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अभी और भी हम जाने की कोशिश करते हैं अंदर, मतलब जो अब यहाँ पे आ गए हैं, एक और दर्शक हैं जो कुंवर टाकिस में अंदर आए हैं, यहाँ देखने के लिए आए हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम? सागर श्रीवास्तव मेरा नाम है। पहले तो हम लोग मूवी का खुद विरोध कर रहे थे, लेकिन मूवी का इतना अच्छा प्रदर्शन देख के हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। एक मूवी कोयला देखे थे, उसके बाद हम पठान देखने आए हैं। कोयला मूवी भी बहुत पसंद आई थी शाहरुख खान की हमें, और उसके बाद हम लोग पठान देखने आए। पठान मूवी 4 साल के बाद ये आई है पिक्चर, क्योंकि इससे पहले जीरो आई थी जी। इस पे आपने कुछ ट्रेलर वाला इसका देखा है, कुछ इसके सीन देखी है? ऐसा कुछ नहीं, देशभक्ति के ऊपर मूवी बनी है। जिस तरह हाल है, हम लोग सुबह से भीड़ लगा के लाइन लगा के खड़े, उसके बाद भी टिकट नहीं मिला है। करीब में 70 किलोमीटर दूर से हम लोग आए थे देखने, उसके बाद भी हम लोग वापस जा रहे हैं, टिकट नहीं मिला, निराशा ही हाथ लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, देशभक्ति के ऊपर मूवी बनी है। अच्छा, जैसे बहुत जगह इसका विरोध भी हुआ है, पोस्टर फाड़े गए हैं, ऐसा आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मूवी अच्छी है। हमेशा शाहरुख खान देश के लिए काम आए हैं। अभी जल्दी आपने देखा है अंजलि के दिल्ली वाले केस में भी उन्होंने हेल्प किया है। ऐसा नहीं, हिंदुओं के भी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जिनका काम विरोध करना है वो विरोध करें, शाहरुख खान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आए हैं मूवी को देखने। हालांकि पहले जब एक टाइम में उड़ा था तो हम लोग विरोध किए थे, लेकिन मूवी का प्रदर्शन और मूवी का सारा कुछ देख के हम लोग खुद आए हैं। सुबह से लाइन लगा के खड़े थे, टिकट नहीं मिला, रिटर्न जाए। एक बात और है, आज फेस्टिवल है, मतलब 26 जनवरी है, भारत हमारे देश का मतलब गणतंत्र दिवस है, हैं, और ये आज़ादी का दिवस है, और संविधान आज के दिन कंप्लीट हुआ था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या अरे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पे मूवी रिलीज हुई है, बढ़िया मूवी है, चल रही है, इतनी देर तक आप देख रहे हैं, ऑलरेडी टिकट नहीं मिला है, और पाड़मफोड़ पहले दिन 50 करोड़ की कमाई की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी करीब में 100 करोड़ प्लस ही जाएगी ये मूवी। जिस तरह हाल देख रहे हैं, गोंडा के एक छोटे से जिले में ये हाल है, तो प्रदेश में क्या चल रही होगी मूवी आपको पता ही है। और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जरूर देखें यार, सब लोग जाके मूवी देखें, ऐसा कुछ नहीं है यार। मूवी में कौन सा विरोध? मूवी में कोई विरोध नहीं। शाहरुख खान देश के लिए बढ़िया हीरो है, सबके लिए सपोर्ट करता है, सबका काम करता है, चाहे अंजलि अरोड़ा हो, चाहे देश की बात हो, हमेशा शाहरुख खान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। हम लोग बिल्कुल साथ हैं। कपड़े पे, रंग वंग पे ऐसा कुछ नहीं है। आज तक हजारों मूवियाँ बनी है, अगर आप कटिंग निकालना शुरू करेंगे तो कई मूवियों में ऐसा कपड़ा पहना गया है, दिखाया गया है, उसका विरोध नहीं हुआ। सिर्फ शाहरुख खान होने की वजह से पीछे खान लगता है, तो उसके इसलिए हम लोग विरोध करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग खुला समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है एक बार? सागर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी का कहना है कि मूवी सिर्फ मूवी के नजरिए से देखी जाए, ना कि उसको किसी रंग के नजरिए से देखा जाए। इसका चश्मा एक रहे कि मूवी है और मनोरंजन है, यही है, और देश के लिए बनी हुई है, देश के लिए अच्छा काम कर रही है। और शाहरुख खान भी कई जगह काम कर चुके हैं, ऐसा ऐसा भी इनका कहना है।